तो अभी तक हमने देखा प्लास्टिक कितने तरीके के होते हैं, तीन तरीके के, नेचुरल प्लास्टिक्स, सेमी सिंथेटिक प्लास्टिक्स एंड सिंथेटिक प्लास्टिक्स। अब सिंथेटिक प्लास्टिक जो है उसको भी आप लोग फर्दरली दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला क्या, थर्मोप्लास्टिक, और दूसरा क्या, थर्मो सेटिंग। अब दोनों होते क्या है समझते हैं। पहले हम लोग थर्मोप्लास्टिक समझते हैं। थर्मोप्लास्टिक क्या होता है? थर्मोप्लास्टिक वैसा प्लास्टिक होता है जिसको अवधि हम लोग हीट अप्लाई करेंगे तो वो सॉफ्ट हो जाएगा। सॉफ्ट हो गया तो उसको किसी भी शेप में अपन लोग ढाल सकते हैं। सॉफ्ट होने के बाद, सॉफ्ट हो गया तो किसी भी शेप में ढालना बहुत ईजी हो जाएगा। अब किसी भी शेप में ढालने के बाद उसको क्या करेंगे, हीट निकाल देंगे वहां से, ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। जब वो ठंडा हो जाएगा तो जिस शेप में हमने ढाला था वो शेप को, वो प्रोडक्ट, वो प्लास्टिक फाइनली वो शेप को ले लेगा। फाइनली उस शेप में वो ढल जाएगा ठंडा होने के बाद। लेकिन यदि शेप में ढलने के बाद थोड़ी देर बाद हमने ठंडा होने के बाद फिर से हीट अप्लाई करी, या कुछ दिनों बाद भी हीट अप्लाई करी फिर से, तो फिर से वो प्लास्टिक क्या हो जाएगा, सॉफ्ट होना शुरू हो जाएगा। मीन्स प्लास्टिक को हम लोग को किसी शेप में फॉर्म करना है तो उसको हीट दिए, सॉफ्ट हुआ, सॉफ्ट होने के बाद शेप में ढाल दिए, ढालने के बाद ठंडा होने के लिए छोड़ दिया तो उस शेप में ढल गया। हमने वापिस से हीट अप्लाई करी तो वो क्या होगा, फिर से सॉफ्ट होने लगेगा। तो ऐसे प्लास्टिक को हम लोग क्या कहते हैं, थर्मो प्लास्टिक्स। अब थर्मो प्लास्टिक्स क्या है, प्लास्टिक्स मैंने पहले बताया, पॉलीमर। पॉलीमर क्या है, लॉन्ग चेन ऑफ मोनोमर्स। अब समझ लेते हैं, आर हमने मोनोमर को क्या मान लिया, मोनोमर को हमने क्या मान लिया, आर से हम डिनोट करेंगे। तो थर्मोप्लास्टिक में जो स्ट्रक्चर बनता है वो स्ट्रक्चर देखते हैं कैसा बनता है। थर्मोप्लास्टिक में जो स्ट्रक्चर होता है वो बेसिकली कैसा होता है, लीनियर स्ट्रक्चर होता है। कैसा हुआ, लीनियर स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर, लीनियर स्ट्रक्चर। यहां पे आर जो है वो क्या बता रहा है, एक आर, एक मोनोमर को हमने किससे रिप्रेजेंट किया, आर से। थर्मोप्लास्टिक भी क्या है, पॉलीमर है। पॉलीमर मींस लॉन्ग चेन ऑफ मोनोमर। मोनोमर को हमने आर से रिप्रेजेंट किया। इसमें देखिए जो मोनोमर एक दूसरे से कनेक्ट है वो कैसे कनेक्ट है, लीनियरली कनेक्ट है। यहाँ पे क्रॉस लिंकेज बहुत कम है, जैसे क्रॉस लिंकेज, एक क्रॉस लिंकेज है वो यहाँ पे, बाकी कहीं क्रॉस लिंकेज नहीं है। तो थर्मोप्लास्टिक्स में जो क्रॉस लिंकेज रहेगा बहुत कम रहेगा। अब आप एक सीधा सा फंड थंब रूल बना लीजिए कि जहां पे जिस जिस मटेरियल में जितने ज्यादा क्रॉस लिंकेज रहेंगे वो उतना ज्यादा क्या होगा, हार्ड होगा और टफ होगा, और जिसमें जितना कम क्रॉस लिंकेज होगा वो उतना ज्यादा क्या होगा, सॉफ्ट होगा। तो इसमें क्या है, क्रॉस लिंकेज बहुत कम है तो ये क्या है, उतना सॉफ्ट है। अब थर्मोप्लास्टिक जो है, जो अभी ये जो मोनोमर्स हैं, मोनोमर्स हैं, ये एक दूसरे से कनेक्ट कैसे हैं, ये एक दूसरे से कनेक्ट है बहुत ही वीक फोर्स से, जैसे वंडरवाल फोर्स। वंडरवाल फोर्स क्या होता है, बहुत ही वीक फोर्स होता है, या कैसे बोलते हैं, ये दोनों एक दूसरे से इंटेंगल्ड है। इंटेंगल्ड मतलब मोनोमर्स थर्मोप्लास्टिक में एक दूसरे से इंटेंगल्ड है, मतलब फंसाए गए हैं, इसमें कोई बॉन्ड नहीं है, ये एक दूसरे से वंडरवॉल फोर्स से ही अट्रैक्ट है, कनेक्ट है, एक दूसरे से फंसे हुए हैं, कोई भी बॉन्ड नहीं बना। इसलिए जैसे ही हीट अप्लाई होगी तो ये वंडरवॉल फोर्स जो होगा वो टूट जाएगा, जो इंटेंगलिंग है इनकी वो खत्म हो जाएगी, और ये क्या हो जाएंगे, वापस से सॉफ्ट होना शुरू हो जाएंगे। और इसमें क्रॉस लिंकेज बहुत कम है तो ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड होने लगेंगे, स्लाइड, ये चेन एक दूसरे के ऊपर स्लाइडिंग करने लगेगी। स्लाइडिंग करने के कारण इसको किसी भी शेप में अपन लोग ढाल सकते हैं, लेकिन फिर से अगर इसमें हीट दिया ढालने के बाद तो ये फिर से क्या हो जाएगा, सॉफ्ट होना शुरू हो जाएगा। क्यों हो जाएगा सॉफ्ट, क्योंकि ये दोनों मॉलिक्यूल्स, मोनोमर्स जो है एक दूसरे से इंटेंगल्ड। इंटेंगल मतलब फंसा दिया, लटका दिया, वैसा इंटेंगल मतलब बहुत ही वंडरवॉल फोर्स से एक दूसरे से बस जुड़े हुए हैं। जहां भी थोड़ा सा फोर्स आया या हीट है, ये फोर्स टूट जाएगा और ये वापस से स्लाइड होने लगेंगे। सो थर्मोप्लास्टिक, तो थर्मोप्लास्टिक की ये प्रॉपर्टी हो गई, ये क्या, लीनियर फॉर्म में कनेक्ट रहते हैं, बहुत ज्यादा हाईली प्लास्टिक होते हैं जिससे इनको किसी भी फॉर्म में बहुत ही इजिली मोल्ड किया जा सकता है। इनका मेल्टिंग पॉइंट जो रहता है बहुत ही लो होता है और उतने स्ट्रांग नहीं होते, ये थोड़े स्ट्रांग, इनकी स्ट्रेंथ जो होती है कम होती है। और सबसे बड़ी बात, इसको अपन लोग रिपीटेडली बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मान लीजिए कोई प्लास्टिक मटेरियल से, थर्मोप्लास्टिक मटेरियल से हमने कोई शेप में कोई प्रोडक्ट बना लिया, अब वो प्रोडक्ट को हमें रिसाइकल करना है तो हम क्या करेंगे, उसको वापस हीट देंगे तो वापस वो सॉफ्ट हो जाएगा, जिस फॉर्म में चाहिए अदर फॉर्म में उसको बना लेंगे तो क्या हो जाएगा, रिसाइकलिंग इसकी बहुत अच्छी हो जाती है, रीसेल वैल्यू इसकी बहुत अच्छी हो जाती है। थर्मोप्लास्टिक के कुछ एग्जाम्पल है जैसे पॉलीथाइलिन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, बहुत ही कॉमन, पीवीसी,
टेफ्लॉन, एबीएस, इस पॉलीस्टाइरिन, ये सब किसके एग्जांपल है? थर्मोप्लास्टिक्स के एग्जांपल है। ब्यूटुमिन, पॉलीएमाइड्स, ये सब किसके एग्जांपल है? थर्मोप्लास्टिक्स के। थर्मोप्लास्टिक्स में और देखा जाए तो थर्मोप्लास्टिक दो वर्ड से मिलके बना है। थर्मो मीन्स हीट और प्लास्टिक मीन्स पॉलीमर, मतलब लॉन्ग चेन। सो मतलब पॉलीमर एक दूसरे से लॉन्ग चेन में कनेक्ट है विथ वेरी वीक वंडरवॉल फोर्स या इंटेंगल्ड है, जिसको हीट से अपन लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी शेप में मोल्ड कर सकते हैं। अब उसके बाद आता है थर्मोसेटिंग। थर्मोसेटिंग, थर्मोसेटिंग में क्या है कि हमने प्लास्टिक को हीट दिया तो वो सॉफ्ट हो जाएगा। सॉफ्ट होने के बाद हम लोग उसको मोल्ड कर लेंगे किसी भी शेप में, जब तक वो सॉफ्ट है। सॉफ्ट होने के बाद मोल्ड कर लिए, मोल्ड करने के बाद उसको क्या कर दिए, ठंडा होने के लिए छोड़ दिए। ठंडा हुआ वो सेट हो गया, उस फॉर्म में वो ढल गया। अब ढलने के बाद यदि हम सोचें उसमें वापस से हीट अप्लाई करें तो वो क्या होगा, वो फिर सॉफ्ट नहीं होगा। थर्मोप्लास्टिक क्या हो जा रहा था, ढलने के बाद, ठंडा होने के बाद अगर हम वापस से हीट अप्लाई कर रहे थे तो वो क्या हो जा रहा था, सॉफ्ट हो जा रहा था। थर्मोसेटिंग में ऐसा नहीं होगा, वो वापस से सॉफ्ट नहीं होगा, मतलब कि वो परमानेंटली वो शेप में बन चुका है। अब उसको हम लोग चाहें कि बाद में हीट दे के दूसरे शेप में कन्वर्ट कर लें तो वो थर्मोसेटिंग के साथ वो चीज पॉसिबल नहीं है, वो परमानेंटली वो शेप ले चुका है। ठीक है, तो थर्मोसेटिंग में जो मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट रहता है वो कैसा रहता है? थर्मोसेटिंग्स में मैंने पहले से बताया कि ज्यादा स्ट्रांग है थर्मोसेटिंग, तो स्ट्रांग है तो इसमें क्या है, क्रॉस लिंकेज भी होगा मटेरियल का एक दूसरे, वो किसका, मोनोमर्स का क्रॉस लिंकेज। ये देखिए ये वाला जो वर्टिकल चल रहा है क्रॉस लिंकेज, और ये जो हॉरिजॉन्टल चल रहा है ये क्या है, लीनियर लिंकेज है। अब यहाँ पे ये क्रॉस लिंकेज हो गया, तो क्रॉस लिंकेज आने के कारण क्या होगा, मैंने पहले बताया थंब रूल, क्रॉस लिंकेज जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा वो क्या होगा, स्ट्रांग होगा, टफ होगा। तो इसमें क्रॉस लिंकेज बहुत ज्यादा, इसमें गिने चुने का क्रॉस लिंकेज होगा, इसमें तो पूरा क्रॉस लिंकेज से ही बना हुआ है। तो क्रॉस लिंकेज के कारण इसमें क्या है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया। और दूसरी बात, ये जो मोनोमर्स है एक दूसरे से कनेक्ट है, इसमें क्या था, मोनोमर्स थर्मोप्लास्टिक में मोनोमर्स क्या थे, एक दूसरे से फंसे हुए थे, कोई भी बॉन्ड एक्सचेंज नहीं हुआ था। लेकिन थर्मोसेटिंग में क्या है, ये जो मोनोमर्स है एक दूसरे से क्या है, कोवेलेंट, स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड से अटैच है। क्या है, स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड से कनेक्ट है। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, जब एक एटम उठ के दूसरे मॉलिक्यूल्स में चला जाता है तो उसमें क्या हो जाता है, बॉन्ड एक्सचेंज हो जाता है, शेयरिंग हो जाती है एटम्स की, तो उससे क्या हो जाता है, दोनों के बीच में जो कनेक्शन होता है बहुत स्ट्रांग हो जाता है। तो जो थर्मोसेटिंग मटेरियल है, मोनोमर्स एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है, क्रॉस लिंकेज में कनेक्टेड है, और दूसरा कोवेलेंट बॉन्ड से कनेक्ट है, जो कि इसको क्या बना देता है, बहुत ही हार्ड बना देता है। तो इसको अब एक बार हमने किसी भी शेप में ढाल लिया, ठंडा हो गया, तो फिर हम चाहे किसी और शेप में ढाल लें तो नहीं, वो परमानेंट एक शेप में ढल चुका है, उसको अपन लोग किसी और शेप में ढाल नहीं सकते। इसको क्या था, बार बार किसी भी शेप में ढाल सको, इसको नहीं ढाल सकते। क्यों, क्योंकि इसमें क्रॉस लिंकेज है, और जो मोनोमर्स का कनेक्शन है वो कैसा है, कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा है। इसमें कनेक्शन कैसा था, क्रॉस लिंकेज नहीं था, सिर्फ लीनियर कनेक्शन था, और जो कनेक्शन था वो कैसा था, वान डर वाल फोर्स या एक दूसरे से फंसे हुए थे, सिर्फ फंसे हुए थे, इसमें बॉन्ड के कारण एक दूसरे से अटैच हैं, इसलिए बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। इसको अपन लोग बार बार हीट देके सॉफ्ट नहीं कर सकते, एक बार में जो बना लिए तो बना लिए, दोबारा ये नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, ये इसको अपन लोग रीसॉफ्ट नहीं कर सकते, ये एक हार्ड होता है बहुत ज्यादा मटेरियल। हम लोग उस कंपोनेंट को बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं जहां पे अपने को ज्यादा रिजिडिटी, स्ट्रेंथ या रेजिस्टेंट टू हीट चाहिए। मान लीजिए कोई प्लास्टिक मटेरियल, कोई प्लास्टिक प्रोडक्ट हमें बनाना है जहां पे उसको क्या करना है, हाई टेम्परेचर में काम करना है। तो हाई टेम्परेचर में यदि हमने थर्मोप्लास्टिक मटेरियल से बना दिया तो हाई टेम्परेचर आया तो ये क्या हो जाएगा, फिर सॉफ्ट हो जाएगा, बहने लगेगा, तो इससे नहीं बना सकते। लेकिन जहां पे हाई टेम्परेचर चाहिए वहां पे अगर थर्मोसेटिंग से बनाएंगे तो प्रोडक्ट जो बन गया फिर टेम्परेचर आता रहे, हाई टेम्परेचर आया, एक लिमिटेड रेजिस्टेंस है, टेम्परेचर आएगा तो ये क्या होगा, फिर अपने शेप नहीं लूज करेगा। हाँ, एक मेल्टिंग टेम्परेचर आएगा फिर तो लूज करेगा, लेकिन अपन मेल्टिंग टेम्परेचर तक नहीं इस्तेमाल करते प्लास्टिक्स को। एक रेजिस्टेंस टू हीट जो है वो इसमें होती है, इसमें रेजिस्टेंस टू हीट नहीं होती है। तो प्लास्टिक को, इस वाले थर्मोसेटिंग को अपन लोग कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, जहां पे अपने को ज्यादा रिजिडिटी चाहिए हो, जहां पे ज्यादा स्ट्रेंथ चाहिए हो, जहां पे रेजिस्टेंट टू हीट अपने को चाहिए हो, वहां पे अगर ऐसा चाहिए तो वहां पे हम लोग थर्मोसेटिंग मटेरियल को इस्तेमाल करते हैं। थर्मोसेटिंग मटेरियल जो है वो
थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, इसका लीनियर स्ट्रक्चर होता है। ये जो है मेनली किससे, कोवेलेंट बॉन्ड से अटैच रहते हैं, ये वंडरवॉल फोर्स या एंटेंगल्ड रहते हैं एक दूसरे से, ये कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से बनते हैं, ये एडिशन पॉलीमराइजेशन से। पॉलीमराइजेशन भी दो टाइप के होते हैं, पॉलीमराइजेशन मतलब मोनोमर्स को पॉलीमर्स में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन भी दो तरह के होते हैं, कंडेंसेशन और एडिशन। तो कंडेंसेशन में ये कोवेलेंट बॉन्ड और एडिशन में जनरली जोड़ दिया जाता है, बस इतना ही अंतर है। तो ये वाले जो थर्मोसेटिंग है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से बनते हैं, इसको एडिशन पॉलीमराइजेशन से बनते हैं। तो ये कुछ डिफरेंस हो गया इसमें थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक्स में। अब थर्मोसेटिंग मटेरियल्स के एग्जांपल, बैकेलाइट बहुत ही कॉमन प्लास्टिक मटेरियल है। बैकेलाइट वो कौन सा मटेरियल है, थर्मोसेटिंग है। पॉलिस्टर्स वो भी बहुत कॉमन है, तो पॉलिस्टर्स भी क्या है, थर्मोसेटिंग मटेरियल है। इपॉक्सी रेजिन्स, इपॉक्सी रेजिन भी क्या है, थर्मोसेटिंग मटेरियल है। पॉलिस्टर्स हो गया। एमाइल फॉर्मलाडिहाइड, ये भी क्या हो गया तुम्हारा, थर्मोसेटिंग मटेरियल हो गया। अब डिफरेंस एक बार फिर से रिवाइज कर, डिफरेंस बहुत पूछा जाता है। डिफरेंस क्या हो गया थर्मोसेटिंग में, थर्मोसेटिंग क्या है, थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है इसका, क्रॉस लिंकेज ज्यादा होती है। थर्मोप्लास्टिक में लीनियर स्ट्रक्चर होता है, क्रॉस लिंकेज बहुत ही लिमिटेड या ना के बराबर होती है। ये वाले प्लास्टिक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, हीट रेजिस्टेंट होते हैं। ये वाले कंपैरेटिवली सॉफ्ट होते हैं और हीट रेजिस्टेंस इसका बिल्कुल नहीं होता है। इनको एक बार यदि थर्मोसेटिंग को हार्ड कर दिए तो दोबारा सॉफ्ट नहीं कर सकते। एक बार ढाल लिए हार्ड करके, सॉफ्ट एक बार किसी फॉर्म में ढाल लिए तो दोबारा ये सॉफ्ट नहीं हो सकते। इनको अपन लोग प्रोडक्ट बनाने के बाद बार बार सॉफ्ट कर सकते हैं। इसमें हायर टेम्परेचर में ये काम कर सकते हैं, ये हायर टेम्परेचर में काम नहीं कर सकते हैं। उसके बाद इनको रिसाइकल अपन लोग नहीं कर सकते मैंने बताया, क्योंकि अगर एक बार एक प्रोडक्ट में बना लिया तो दोबारा इसको अपन लोग किसी दूसरे प्रोडक्ट में नहीं बना सकते, इनको रिसाइकल अपन लोग कर सकते हैं। अगर किसी इंट्रिकेट मोल्ड, मोल्ड क्या होता है, कास्टिंग आप लोगों ने पढ़ी है, उसमें क्या होता है, एक मोल्ड अपन लोग बनाते हैं और उसमें जो मटेरियल, मोल्ड कैसा रहता है, उसमें एक कैविटी होती है, जिस मटेरियल को अपने को जिस फॉर्म का मटेरियल बनाना होता है उस फॉर्म का कैविटी होती है, उसमें अपन लोग मोल्डन मटेरियल को फ्लो कराते हैं। अब इंट्रिकेट शेप की कैविटी हुई, इंट्रिकेट मोल्ड हुआ, तो उसमें मटेरियल के फ्लो कराने के लिए क्या होना चाहिए, मटेरियल की विस्कोसिटी अच्छी होनी चाहिए, सॉफ्ट होनी चाहिए। तो ये वाला जो थर्मोसेटिंग मटेरियल रहता है, इसमें इंट्रिकेट मोल्ड में अपन लोग इसको थोड़ा सा दिक्कत होती है इस्तेमाल करने में, और यहाँ पे इंट्रिकेट मोल्ड में ये इजिली शेप में आ जाता है। तो ये सारे कुछ डिफरेंस हो गए किसमें, थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक्स में। क्लियर, थैंक्स फॉर पेइंग योर अटेंशन।